हेलो दोस्तों, मिथिलांचल में आप सभी का स्वागत है। जातिवाद आरक्षण को लेकर दोस्तों सुपौल, सिसौनी, किशनपुर बाजार, भपटियाही में लेकर जो है आज के दिन 21 अगस्त को जो है काफी जगह जो है जाम लगा हुआ है, जिसका कुछ वीडियो मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। देख सकते हो, ये जो है किशनपुर बाजार का जो है गोलंबर है, किशनपुर चौक जो कि सुपौल से जो है 14 किलोमीटर की दूरी पे है और इधर जो है भपटियाही से जो है 12 किलोमीटर पहले है। यहाँ पर जो है ये आरक्षण किया जा रहा है। अभी देख सकते हो आप लोग, सब जगह से जो है ब्लॉक किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है इनकी क्या क्या मांगे की जा रही है, एक बार देखिए। यहाँ पर जो है इनकी मांग है कि एससी एसटी एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा एवं क्रिमिनल लॉयर वाला असंवैधानिक फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट वापस ले और एससी एसटी एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण को भारत सरकार द्वारा नवी सूची में शामिल किया जाए। और तीसरा जो है ये अनुसूचित जनजाति समाज को संवैधानिक आरक्षण के हिसाब से भारत में लोकसभा की 4 सीटें जो है आरक्षित की जाए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बहाली में किलोजियम जिमेस्ट्री समाप्त किया जाए, सीमांचल में पूर्व भारतीय लोकसभा अनुसूचित जाति आरक्षित की जाए। तो इस प्रकार की जो है 5 मांगे जो है की जा रही है। निवेदक आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा किशनपुर सुपौल बिहार। ये किशनपुर बाजार का दोस्तों तस्वीर देख सकते हो। देखो तो आप लोग अभी जो है किस प्रकार से जो है गोलंबर को जो है पूरा तरीके से जो है बंद कर दिया गया है और चारों साइड से जो है रोड पर जो है रस्सी डाल दिया गया है। कोई भी जो है गाड़ी वगैरह को जो है नहीं जाने दे रहे हैं। ये जो है करीब सुबह से जो है लगा हुआ, अभी जो है इसको जो है 3 घंटे होने वाले हैं और अभी जो है शाम तक जो है इसी प्रकार से रहने वाला है। काफी सारे जो है ट्रक जो है उस साइड लगे हुए हैं और उधर भी ऐसे जो है ट्रक सब जो है लगा हुआ है और इस साइड भी जो है लगा हुआ है। ये रास्ता जो है सुपौल की तरफ जाता है और इधर से जो है पिपरा और गणपतगंज वाला रास्ता है और इधर जो है ये भपटियाही वाला रास्ता है और इधर जो है ये स्टेशन का रास्ता है जिस साइड जो है थाना पड़ता है। यहाँ पर जो कुछ पुलिस की भी गाड़ी लगी हुई है, पुलिस अभी आए थे लेकिन जो है मामला हैंडल नहीं हुआ, कुछ भी जो है कंट्रोल नहीं हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पर सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। तो आपके क्षेत्र में जो दोस्तों ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हमें बताइए, क्योंकि मैंने तो अभी काफी जगह से ऐसा देखा कि हर जगह जो है बंद दिख रहा है और देखिए जो भी घुसने की कोशिश कर रहा है तो उनको कैसे मतलब रोन दिया जाता है। क्या कर सकते, पुलिस कुछ बोल पाएगा इसमें? इतना भीड़ लगा हुआ है, पुलिस अभी नहीं बोलता कुछ भी। पुलिस वाला भी गाड़ी साइड में खड़ा हुआ है। अब जिसका पेशेंट है उनको जाने दिया जा रहा है किसी तरह और एम्बुलेंस सबको जो है जाने दिया जाता है, बाकी कोई गाड़ी वाड़ी जो है नहीं जाने दिया जाता है। काफी जगह जो है बिहार के और जैसे कि पूर्णिया अररिया सबका जो फोटो देखे थे वहां भी जो है जाम लग रखा था पूरा और ये हमारा किशनपुर क्षेत्र है, यहाँ पे जो इस पर जाम लगा हुआ है। दोस्तों आप पर